नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 25 जून मंगलवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में 26 जून से मानसून आने की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। मानसून गुजरात और एमपी के अधिकतर जिलों को कवर कर चुका है। आने वाले दो दिन में मानसून की दस्तक राजस्थान में होगी। मौसम केंद्र भी 26 से 28 के बीच राजस्थान में मानसून आने की संभावना जता रहे हैं। राजस्थान में आने वाला मानसून दो राज्यों से प्रदेश में एंट्री लेगा। उदयपुर में गुजरात और कोटा में एमपी से मानसून एंट्री लेगा। मौसम केंद्र ने 27 और 28 जून को भारी बारिश की चेतावनी दी है। हड़ौती अंचल में बीते 3 दिन से जारी भीषण गर्मी व उमस के बाद सोमवार शाम राहत की बारिश हुई। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। कोटा शहर में शाम 6 बजे बाद मौसम पलटा और घने काले बादल छाए। पहले धूल भरी आंधी चली, उसके बाद तेज हवा के साथ रिमझिम व तेज बारिश का दौर शुरू हो गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आग्रह पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने भीषण गर्मी के मद्देनज़र राजस्थान को 2 रीजनल पूल से अनावंटित बिजली का कोटा देने का निर्णय किया है। श्री शर्मा ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल से हाल में नई दिल्ली में मुलाकात की थी। इसके बाद केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने सोमवार को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को पत्र लिखकर राजस्थान को दक्षिण एवं पश्चिम रीजन में अनावंटित पूल से 200 मेगावाट बिजली 24 घंटे उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया है। इस अनावंटित बिजली की आपूर्ति 26 जून से प्रारंभ हो जाएगी। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने सोमवार को कहा कि उनका स्वास्थ्य चाहे कितना भी खराब हो जाए या शरीर को कितना भी कष्ट हो, वह दिल्ली वालों को उनके हक का पानी दिलाकर रहेंगी। आम आदमी पार्टी के विधायकों और पार्षदों के साथ दिल्ली के विभिन्न इलाकों से बड़ी संख्या में लोगों ने सोमवार को अनशन स्थल पर पहुंचकर उनका समर्थन किया। 4 दिन से बिना खाए सत्याग्रह कर रही सुश्री आतिशी ने दिल्ली की जनता से कहा कि उनका स्वास्थ्य चाहे कितना भी खराब हो जाए या शरीर को कितना भी कष्ट हो, दिल्ली वालों को उनके हक का पानी दिलाकर रहूंगी। जब तक हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार 28 लाख दिल्ली वालों के हक का पानी नहीं देती है, तब तक यह सत्याग्रह जारी रहेगा। बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा और अभिनेता जहीर इकबाल ने अपनी शादी का जश्न मुंबई के दादर स्थित बास्टियन में एक भव्य रिसेप्शन के साथ मनाया। रविवार को शादी के बंधन में बंधे इस जोड़े ने एक भव्य कार्यक्रम की मेजबानी की, जिसमें काजोल, सलमान खान, रेखा, अनिल कपूर सहित कई बॉलीवुड हस्तियां शामिल हुई। राजस्थान की धरती सोना उगलेगी। राजस्थान सरकार ने बांसवाड़ा में स्वर्ण और अयस्क खनन के लिए बुखिया जगपुरा खनन ब्लॉक की नीलामी की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इसका लाइसेंस रतलाम की सैयद ओवैस अली फर्म को मिला है। इसके साथ ही देश में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और झारखंड के बाद राजस्थान चौथा राज्य होगा जहां सोने का खनन होगा। खनिज अभियंता गौरव मीना ने बताया कि बांसवाड़ा के घाटोल उपखंड में खदान के लिए 2 ब्लॉक भूखिया जगपुरा आवंटित किए गए हैं। गत दिनों दोनों ब्लॉक के लिए तकनीकी बिड खुलने के बाद अब खनन के लिए लाइसेंस दे दिया गया है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को राज्यसभा में सदन के नेता होंगे। वह राज्यसभा में पीयूष गोयल की जगह लेंगे। हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव में गोयल महाराष्ट्र से निर्वाचित हुए हैं। गोयल ने लोकसभा सदस्य के तौर पर शपथ ली। नड्डा के पास केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और उर्वरक व रसायन मंत्रालय का जिम्मा भी है। राज्यसभा की वेबसाइट पर भी नड्डा का नाम बतौर सदन का नेता अपडेट किया गया है। भाजपा अध्यक्ष के रूप में नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2024 में खत्म हो गया था। उन्हें आम चुनाव के चलते 6 महीने का विस्तार दिया गया था। उनका कार्यकाल जून में समाप्त हो रहा है। राजस्थान में चिकित्सा सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण को लेकर निरीक्षण का दौर लगातार जारी है। इस क्रम में सोमवार को राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन की प्रबंधक निदेशक श्रीमती नेहा गिरी ने सांगानेर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर वहां मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा एवं जांच योजना के क्रियान्वयन की स्थिति का जायजा लिया। श्रीमती गिरी ने निरीक्षण के दौरान दवाओं के कार्टन खुले में रखे होने पर ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर SS दायमा को वस्तु स्थिति से अवगत कराने तथा संबंधित अधिकारी या कार्मिक की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए। उच्चतम न्यायालय ने आबकारी नीति कथित घोटाले से संबंधित धन शोधन के एक मामले के आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर दिल्ली उच्च न्यायालय के अंतरिम रोक को सोमवार को थोड़ा असामान्य करार दिया और मामले को 26 जून के लिए स्थगित कर दिया। न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति SVN भट्टी की अवकाशकालीन पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि अगर इस बीच उच्च न्यायालय इस मामले में कोई आदेश पारित करता है तो उसे रिकॉर्ड पर लाया जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने सोमवार को
डायरिया रोको अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर मंत्रालय में राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और प्रताप राव गणपत राव यादव तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। समारोह में कई पोस्टर और प्रचार सामग्री का भी लोकार्पण किया गया। राजस्थान में नेशनल फूड सिक्योरिटी की एप्लीकेशन पेंडिंग। गहलोत सरकार के समय साल 2022 में आए थे 19.57 लाख आवेदन, 40,000 से ज़्यादा खारिज। राजस्थान में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में नाम जुड़वाने के लिए साल 2022 से आए आवेदकों को अब भी इंतजार करना पड़ रहा है। गहलोत सरकार के समय भले ही आवेदनों को ले लिया, लेकिन उन आवेदनों की जाँच अब तक पूरी नहीं हो सकी। अभी करीब 9.38 लाख आवेदनों की जाँच पेंडिंग है, जबकि 40,000 से ज़्यादा लोगों के आवेदन निरस्त किए जा चुके हैं। सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इन आवेदनों को जोड़ने और इसके लाभार्थियों की संख्या में 15% का इजाफा जनसंख्या के रूप में अनुरूप करने की भी मांग पूर्व में उपभोक्ता मामला मंत्री रहे पीयूष गोयल से की थी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे बोर्ड को सुरक्षा और जन सुविधा बनाए रखने के उद्देश्य से 4 सूत्रीय एजेंडा पर फोकस करने का मंत्र दिया, जिसमें सभी उपकरणों के सही ढंग से कार्यान्वयन से लेकर अच्छी गुणवत्ता वाले भोजन और पानी की सुविधा शामिल हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार रेल मंत्री ने सोमवार को रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अन्य सभी सदस्यों, वरिष्ठ अधिकारियों, महाप्रबंधकों और मंडल रेल प्रबंधकों के साथ सुरक्षा और यात्री सुविधाओं के विभिन्न पहलुओं की व्यापकता से समीक्षा की। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि विद्यालयों में नवाचार अपनाए जाएं, जिससे बच्चे कौशल विकसित करके रोजगार पा सकें। श्री दिलावर सोमवार को हरिश्चंद्र माथुर लोक प्रशिक्षण संस्थान में विद्यालय प्राचार्यों के 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार देकर उन्हें अच्छे नागरिक बनाना हमारा मूल उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षकों के प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य शिक्षा में सुधार लाकर बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। जयपुर के मोबीफ्लिक्स इवेंट्स की ओर से आश्रम मार्ग स्थित क्वालो पोलो क्लब में आयोजित की गई डांस पार्टी में गुलाबी नगर जयपुर की फिजा लाल रंग से सराबोर हो गई। स्पेन के ला टोमाटीना फेस्टिवल के अंदाज में युवाओं के ग्रुप ने एक दूसरे पर टमाटरों की बौछार कर माहौल को मस्ती के रंग में रंग दिया। डायरेक्टर पूजा नाथानी और अंकुर सैनी के अनुसार इस इवेंट में बड़ी संख्या में गर्ल और बॉयज़ ने पूल पार्टी और रेन डांस को भी एंजॉय किया। यंगस्टर्स को हाई वॉल्ट म्यूजिक पर झूमने के लिए डीजे सुमाया ने गाने प्ले किए। जिला पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद द्वारा अधिकारियों व पुलिसकर्मियों की संपर्क सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बूंदी उमा शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिकाऊ जसवीर मीना तथा व्रताधिकारी व्रत बूंदी अमित सिंह, थानाधिकारीगण एवं अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। संपर्क सभा में उपस्थित कार्मिकों की ड्यूटी से संबंधित तथा निजी समस्या के बारे में जाना तथा उनके समाधान के लिए मौके पर मौजूद अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए तथा कहा कि किसी भी जवान या अधिकारी को कोई भी समस्या हो तो वह सीधे आकर अवगत करवाएं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आदि कैलाश और ओम पर्वत की तीर्थयात्राएं 25 जून से अस्थायी रूप से स्थगित कर दी जाएगी। कुमाऊं मंडल विकास निगम के अधिकारी एलएम तिवारी ने बताया कि मानसून की बारिश से ऊंचाई वाली जगहों पर तीर्थयात्राओं में रुकावट की आशंका के बीच यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित करने का फैसला लिया गया है। यात्रा के लिए दोबारा बुकिंग सितंबर में शुरू होगी। पिछले अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोलिंग कॉन्ग की यात्रा के बाद आदि कैलाश चर्चा में आया, जहां से कैलाश पर्वत का शिखर दिखाई देता है। यह यात्रा 13 मई को शुरू हुई थी, जिसमें करीब 600 श्रद्धालु तीर्थ यात्रा पर गए थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अब तक के लिए देखते रहिए एसपीटी न्यूज़। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।